डिंडोरी के ग्रामीण इलाकों में निवासरत अधिकांश आदिवासियों में अंधविश्वास की वजह से सर्प दंश के शिकार मरीजों का डॉक्टरी इलाज की बजाय झाड़फूंक कराने पहुंच जाते हैं, और यही वजह है कि गुनिया पंडों से झाड़फूंक के चक्कर में जान तक गंवानी पड़ती है। आज सुबह तित्राही गांव में सर्प दंश की शिकार एक महिला को परिजनों ने इलाज के लिए जिला अस्पताल में दाखिल किया। महिला की हालत ज्यादा खराब होने पर परिजनों को डॉक्टरों ने जबलपुर ले जाने की सलाह दी, लेकिन परिजन मरीज को जबलपुर न ले जाकर खूंटी गांव के शिव मंदिर लेकर पहुंच गए, जहां सांप का जहर उतारने वाले गांव के 4-5 पंडों ने घंटों महिला को झाड़फूंक करते रहे। आखिरकार जब महिला की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ तो परिजन उसे फिर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां हालत बिगड़ने पर डॉक्टरों ने उसे जबलपुर रेफर कर दिया। डॉक्टरों का कहना है सर्प दंश के मरीजों को झाड़फूंक नहीं कराना चाहिए, बल्कि फौरन उन्हें पहले अस्पताल में दाखिल करना चाहिए ताकि उनका समय से इलाज हो सके। उधर सर्प दंश का इलाज का दावा करने वाले पंडों का कहना है कि वो अब तक अनेक मरीजों झाड़फूंक कर ठीक कर चुके हैं। हाँ जी 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 दिलीप यादव, क्या हुआ? ये घर में सो रहे थे तो सवेरे सवेरे इनको जो है काला सर्प घर में काट लिया। फिर हम लोगों ने गांव से इनको तत्काल जिला अस्पताल लाए, जहां इनकी स्थिति खराब रही। हमने डॉक्टर से चर्चा भी किया तो डॉक्टर जबलपुर हमको भेज रहे थे। तो इनके परिजन जो हैं तो ये सामान्य परिवार से हैं, इतना इनको नॉलेज नहीं है तो ये हड़बड़ा गए। फिर हमको पता चला कि शंकर जी का मंदिर है क्यूटी में, जहाँ ग्राम वालों ने समाज सेवक हैं या धर्म कर्म कहें उस हिसाब से हम मिलजुल के सब लोगों ने झाड़ फूंक करते हैं। तो झाड़ फूंक किए हैं, अभी 4-6 लोगों ने लगे हैं। तो जब से अभी इनकी झाड़ फूंक हुई है तब से स्थिति इनकी सुधार हुई है। अस्पताल में इलाज नहीं, नहीं अस्पताल में इलाज किए हैं, बॉटल वगैरह लगाए हैं, इंजेक्शन वगैरह लगाए हैं, लेकिन उस सांस में दिक्कत हो रही है। आप इनको जबलपुर ले जाओ कह रहे थे, आपको उम्मीद है कि झाड़फूंक से फायदा हो जाएगा? बिल्कुल, तंत्र मंत्र झाड़फूंक में शक्ति है, ऐसा है। मैं भी बुद्धिजीवी हूँ तो मैं भी साइंटिस्ट को मानता हूँ। मैं नहीं कहता कि डॉक्टरी के माध्यम से नहीं हो पाएगा, वहाँ भी संभव है और तंत्र मंत्र में भी संभव है। आपके शिव मंदिर में एक सांप काटी महिला का इलाज चल रहा है, क्या संभव है? अभी तो ऊपर वाले का वो है, उसी के भरोसे हम चल रहे हैं और जो जितना बनता है अपने सेवा कर रहे हैं। कब से ये चल रहा है? ये बहुत दिन से चल रहा है। अब तक कितने मरीज ठीक कर चुके हैं सांप काटने? अभी तो कोई वो नहीं है महाराज जी, कम से कम 2-4-6 डेली आते जाते हैं। डॉक्टरी इलाज नहीं है क्या? नहीं, अपने यहाँ नहीं है, अपने यहाँ खाली वो भोलेनाथ के बस प्रसादी है, उसके भरोसे चल रहा है। आपको उम्मीद है कि ठीक हो जाएगी? अब उम्मीद तो पहले से राहत समझ में आ रहा है उसका, अब आप भी देख रहे हो कैसे होती है प्रक्रिया झाड़फूंक की, कितने लोग करते हैं? अब 2-4 लोग हैं। क्या 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 करते हैं? बस हम वो इस भोलेनाथ की भभूति उठाते हैं और वही भभूति से झाड़फूंक करते हैं, बस उसी के नाम पे। अब तक कितने मरीज आपके यहाँ चुके होंगे लगभग? अब ये तो अपन नहीं बता सकते हैं, पर ये है कि हजारों मरीज साल में आते हैं। कैसे मिली आपको ये विद्या? विद्या कैसे सीखे आप? अब ये हमको हमारे पूर्वज भी दिए हैं, गुरु प्रसाद, उसी को चला रहे हैं। और कितने लोग करते हैं? बस 2-4 लोग अभी हैं, बस वही 2-4 लोग हैं। अब चूंकि अपन डिंडोरी जिले में हैं और ये आदिवासी बहुल डिस्ट्रिक्ट है, तो इस डिस्ट्रिक्ट में देखने में आया है कि कई मरीज सांप काटने के बाद बाबा झाड़पू गुनी पंडा इन सब के पास जाते हैं, लेकिन चूंकि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अवेयरनेस फैलाई गई है तो उनके पास जाने के बाद भी हमारे पास भी आते हैं, पर अभी भी अंधविश्वास है जिसको पूरी तरीके से मिटाने की आवश्यकता है। आज का ही मामला आप देख लीजिए कि महिला आई हुई थी, उसको अस्पताल से लेके चले गए अंधविश्वास के, फिर वो जबलपुर रेफर हो गई। जी,
ये बहुत ही दुखद है, क्योंकि हमारे द्वारा और शासन के द्वारा कई प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं। स्नेक बाइट का अलग से शासन का प्रोग्राम चलता है, जिसमें हमें अवेयर करना है पब्लिक को, और हो भी रहा है, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है, देखने में मिलता है, होना नहीं चाहिए ऐसा, जो भी हुआ सही नहीं हुआ। अस्पताल में पूरी इलाज की जो व्यवस्था है अपने यहाँ? जी, शासन की तरफ से, चूँकि बरसात का मौसम है, इस मौसम में सांप वगैरह और इनका काटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो शासन की तरफ से अलग से नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है, और जो एंटी स्नेक वेनम होता है, दवाई होती है जो सांप के जहर लेने पर लगाई जाती है, उसकी अलग से आपूर्ति की गई है, और हमारे ज़िले में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सारी CHCs में PHCs में पूरी तरीके से ये दवाई अवेलेबल है, तो इसलिए जो भी नियरेस्ट हॉस्पिटल पड़ता है उसमें जनता जाए स्नेक बाइट के बाद, उनको पूरा इलाज मिलेगा। कुछ मैसेज देना चाहते हैं ऐसे लोगों के लिए, अंधविश्वास? मैसेज इतना ही देना चाहूँगा कि इस चीज़ का ध्यान रखें, सबसे पहले तो कोशिश करें कि अपने घर में साफ़ सफाई रखें, चूहे वगैरह ना आए जिसके पीछे सांप आते हैं, क्योंकि बरसात का मौसम है, तो कोशिश करें कि स्नेक बाइट के केसेस हों ही। फिर भी यदि स्नेक बाइट का केस हो जाता है तो दो तीन मुख्य बातें हैं जिनका ध्यान दें। पहली मुख्य बात जो अधिकतर लोग करते हैं कि उसे बांध देते हैं बहुत ज़्यादा तेज़ी से, उनका यह सोचना है कि खून रुक जाएगा तो पूरे शरीर में नहीं फैलेगा, जो कि बिल्कुल भी असत्य है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, उसे बांधना नहीं चाहिए। दूसरी चीज़, झाड़ा फूकी कराने या किसी वैद्य के पास जाने या क्वैक के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, सीधे जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है वहाँ जाएँ ताकि उनको इलाज मिल सके। तीसरी चीज़, कई बार देखा गया है कि सांप की पहचान करने के लिए उसको ढूंढते हैं वो कि कैसा है क्या, ज़रूर इससे सहायता मिलती है, पता चलता है कि जहरीला है या नहीं है, लेकिन जो शासन के द्वारा एंटी स्नेक वेनम आ रहा है वो जितने भी प्रकार के जहरीले सांप हैं सारा का मिश्रण एक ही दवा में है, तो इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सा सांप है। हाँ, उससे मदद ये मिल सकती है कि ये पता चल जाए कि सांप जहरीला है या नहीं। मुख्य बात मरीज के लिए जिसको सांप ने काटा है, घबराएं बिल्कुल ना, धड़कन बढ़ने से जो जहर होता है वो ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। स्नेक बाइट के केस में सही समय में अगर अस्पताल आप पहुंच जाते हैं पूरी तरीके से इलाज मिल जाता है, अगर आप हॉस्पिटल पहुंचे हैं तो डेथ के केसेस भी ना के बराबर मिलते हैं, जो भी केसेस आ रहे हैं वो सिर्फ इन्हीं अंधविश्वास की वजह से या समय पर ना आने। उसके बाद 108 जो शासन के द्वारा सेवा चलती है, तुरंत 108 में कॉल करें और तुरंत अस्पताल लेके आए।